मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 फरवरी 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। केवल 5 मिनट में हम पूरे दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। जो भी लोग एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ एनटीपीसी और आईबीएसईआईओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। बात करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। देयर आर नो लिमिट्स टू व्हाट यू कैन अकम्प्लिश। जो आप कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप सोच लो। एक्सेप्ट द लिमिट्स यू प्लेस ऑन योर ओन थिंकिंग। बस अपने दिमाग के अंदर आपको ये नहीं सोचना कि मैं केवल इतना ही कर पाऊंगा। आप अपने दिमाग में माइंडसेट लेके चलिए कि हाँ, टारगेट बड़ा लेके चलिए, आप वो भी कर लोगे। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि आप 180 प्लस स्कोर करना चाह रहे हो सीजीएल में या सीएचएसएल में, तो ऑफ कोर्स यू कैन। यू जस्ट नीड टू पुट योर एफर्ट्स इन द करेक्ट डायरेक्शन और उसी डेडिकेशन के साथ आपको करना है। यू कैन डू इट वेरी इजीली, नॉट अ बिग डील। तो बस अपना माइंडसेट रखिए कि आप अच्छा टारगेट लेके चलिए और आप कर लेंगे। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड द ईयर ऑफ इमरजेंसी। किस देश ने आपातकाल का वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार देश ने आपातकाल का वर्ष घोषित किया है। विच इंडियन कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बाय द नेपाल गवर्नमेंट। नेपाल सरकार ने किस भारतीय कंपनी को अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण का ठेका दिया है? तो इसका आंसर है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को भारतीय कंपनी है ये, और नेपाल सरकार ने इसे अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण का ठेका दिया है। विच टीम हैज वोन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-2021 जीती है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल बजट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय। भारत का पहला डिजिटल बजट इसके द्वारा पेश किया गया है? तो इसका आंसर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी ने भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किया है। ये भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। आईएएस ऑफिसर राजीव रंजन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के मुख्य सचिव के रूप में आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। इन विच कंट्री इज द मेरापी वोल्केनो बस्ट। मेरापी ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश में मेरापी नाम का ज्वालामुखी फटा है। हु हैज इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल सिल्क फेयर। अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी ने अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है। आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर है शिवम कोऑपरेटिव बैंक। शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। Who has declared the year 2020 as the worst of the record? किसने वर्ष 2020 को रिकॉर्ड का सबसे खराब वर्ष घोषित किया है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UNTWO। UNTWO नामक ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को रिकॉर्ड का सबसे खराब वर्ष घोषित किया है। With which country has India discussed the F-15EX fighter jet? किस देश के साथ भारत ने F-15EX फाइटर जेट पर चर्चा की है? तो आंसर है हमारा यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भारत ने
F-15EX फाइटर जेट पर चर्चा की है। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स इतने ही थे। शाम को मैं एक कोर्स करा रहा हूँ SSC CHSL टायर 2 की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है वो। आप प्लीज वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और सारी क्लासेस देखिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।